आज मैं आपको माता नील सरस्वती के मंत्र साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। माता महाविद्या हैं और नील सरस्वती ज्ञान की स्वरूपा देवी हैं तथा यह साधना मंत्र बहुत ही प्रभावी है। इसे सिद्ध करने वाले व्यक्ति को वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसकी वाक शक्ति अत्यंत ही प्रबल हो जाती है। वह कभी भी असफल और निरुत्साहित नहीं होता है, ना ही हो सकता है। वह अपने शब्द मात्र के व्याख्यान से किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। वह वाक युद्ध में कभी हार नहीं सकता है। नील सरस्वती की उपासना के दो रूप हैं, एक सौम्य रूप वाक सिद्धि, धन अर्जित, शत्रु कलह या शत्रु समन के लिए की जाती है। उसी प्रकार उग्र स्वरूप तारा मंत्र से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह सिद्धियां बताने योग्य नहीं है क्योंकि ये सारी सिद्धियां गुप्त होती हैं। सौम स्वरूप की उपासना का एक विधान है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। इस उपासना से अचूक फल प्राप्त होता है तथा समाज में व्यापार, राजनीति, शिक्षण, प्रवचन आदि क्षेत्रों में व्यक्ति का नाम यश होता है। अगर कोई ज्योतिषी नील सरस्वती की साधना कर ले तो ज्योतिष शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान उसे हो जाता है। नील सरस्वती की साधना को पूर्ण करने पर ज्योतिष द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ सदैव सब सत्य होने लगती हैं तथा इस साधना को करने के बाद ज्योतिष किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करे या उसके जीवन से संबंधित कोई भविष्यवाणी दे तो वह पूर्णतः सिद्ध और सत्य हो जाती है। नील सरस्वती स्त्रोत पाठ करने से शत्रु कलह शांत हो जाती है। इसी प्रकार साधना करने के लिए आपको एक नीले हकीक के पत्थर की अंगूठी धारण करनी होगी। सरस्वती यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, एक स्प्रिट की माला की आवश्यकता पड़ेगी तथा शुद्ध देसी घी का एक दिया आपको अपने समीप रखना होगा। नील सरस्वती की साधना 21 दिनों में पूर्ण होती है। इस साधना को पूर्ण करने के लिए साधक को रोजाना एक माला अपने गुरु मंत्र की तथा 11 माला माता नील सरस्वती की मंत्र की जपनी होती है। साधना के समय कुछ अलौकिक अनुभूतियां हो सकती हैं, इसलिए इस साधना को करने से पहले शरीर की रक्षा आवश्यक होती है। अर्थात साधक को अपने देह रक्षा के मंत्र को करने के बाद ही साधना में बैठना चाहिए। देह रक्षा मंत्र बहुत ही प्रचंड है। यदि साधक के पास गुरु मंत्र है तो वह गुरु मंत्र का भी प्रयोग कर सकता है या वह सर्वज्ञ दंत मंत्र का प्रयोग करे जो आपकी स्क्रीन में समय दिख रहा है। नील सरस्वती की साधना का समय जो शुभ समय है वह रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक का है। माता नील सरस्वती की साधना करने की विधि को जानते हैं। माता नील सरस्वती की साधना एकांत स्थान पर होती है।
क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। आप साधना करते समय एक घी के दीपक को जला लें, उस दीपक में ही नील सरस्वती की साधना आरंभ करें, अर्थात उस दीपक की ही रोशनी में। माता की साधना करने से पहले देह रक्षा मंत्र का 11 बार जप करें। देह रक्षा मंत्र जप करने के बाद उत्तर की ओर अपना मुख कर लें और माता सरस्वती के मंत्र को नीले हकीक के पत्थर पर स्थापित करें, अर्थात आपको माता सरस्वती का जो यंत्र है उसे नीले हकीक के पत्थर पर स्थापित करनी है या करना है। इसके बाद लघु पूजन करें, गुरु माला की या गुरु मंत्र के माला का एक जप करें। एक माला जप करने के बाद विधि विधान से माता नील सरस्वती के मंत्र का जाप करें। यह लगातार 21 दिनों का विधान है तथा 22वें दिन यानी 22वें दिन आपको यंत्र को उस पत्थर से निकाल लें। अब एक चांदी की अंगूठी बना लें और उस अंगूठी को अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर लें। उसमें यह पत्थर जो था ये लगा होना चाहिए। मैं आपको माता नील सरस्वती के मंत्र के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, क्योंकि मैं अभी शुद्ध नहीं हूँ इस कारण इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मंत्र इतना प्रबल है इसका ऐसे ही समानता उच्चारण नहीं किया जा सकता है। इसका उच्चारण हमेशा पूरी विधि विधान से ही करना चाहिए, नहीं तो इसका प्रभाव गलत पड़ जाता है। इसलिए मैं जब भी आपको मंत्र बताता हूँ या मंत्र देता हूँ तो वह लिख कर देता हूँ। यही कारण है कि मैं आपको मंत्र बोल कर नहीं बताता। दूसरी बात यह है कि आप माता नील सरस्वती के स्रोत का भी 11 बार जप कर सकते हैं। यह स्रोत इतना प्रभावी है कि इसको जपने वाला व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। लेकिन माता नील सरस्वती की उपासना करने से अथक ज्ञान, इस ब्रह्मांड का जितना भी ज्ञान है वह समाहित होता है देवी पे। वह ब्रह्मांड के सभी ज्ञान की अध्यास्त्री हैं, सभी ज्ञान उनसे ही प्रारंभ होता है और उन्हीं में समाप्त हो जाता है। तो देवी की उपासना करने वाले भक्त पर उनकी जब कृपा होती है तो व्यक्ति अथक ज्ञान का स्वामी बन जाता है। वह एक प्रबल वक्ता बन जाता है। उसके पास इस संसार का सभी ज्ञान विराजमान होता है। उसकी बातों में एक आकर्षण शक्ति होती है जिससे वह किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है तथा माता की उपासना करने मात्र से बड़े कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। कहते हैं कि ज्ञान की आवश्यकता हो तो माता की उपासना करें। माता की ही कृपा से महा ऋषि कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्योंकि माता ज्ञान स्वरूपा है। वह निर्गुण को सगुण कर देती है, वह एक अधम को इंद्र बना देती हैं, वह क्षण भर में इस संसार को नष्ट कर सकती हैं और नए सृष्टियों का उदय कर सकती हैं। देवी ज्ञान की देवी हैं, अतः इनकी उपासना करने से सभी जगह सफलता प्राप्त होती है, सभी परीक्षाओं में सफलता मिलती है एवं नाना प्रकार की सिद्धियों का स्वामी व्यक्ति बन जाता है। अतः माता की उपासना हम सभी को करनी चाहिए और माता को प्रसन्न करने के लिए
इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्यदर्श के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।